महिला कांग्रेस ने मनाई महारानी लक्ष्मी बाई की पुण्यतिथि। विचार गोष्ठी आयोजित कर महारानी लक्ष्मी बाई के जीवन पर डाला प्रकाश। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सभा खान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की आज महिला कांग्रेस द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई। LIC कॉलोनी के पीछे स्थित आतर स्कूल में महिला कांग्रेस के सदस्य उपस्थित हुई। सभी ने तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला व एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हम सब जैसा कि जानते हैं हमारी वीरांगना और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो एक नायिका थी जिनको महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है, आज उनका बलिदान दिवस था जिसको अजमेर महिला कांग्रेस की तरफ से LIC कॉलोनी के पीछे आतेड़ स्कूल के पास मनाया गया, जिसमें एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें उनके जीवन को के ऊपर प्रकाश डाला गया और आने वाली जनरेशन जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया कि किस तरह से उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी माँ को खोला और उनके पिता ने किस तरह से उनको शस्त्र विद्या में निपुण करा। उसका नतीजा ये था कि उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिए, लोहा मनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए और आज तक उनका जो इतिहास में नाम है वो अजर अमर रहेगा। उनकी प्रतिमा पर, उनके चित्र पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और उनके चलाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा इनकी जो वीरता की गाथा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी खूबसूरत कविता में बहुत अच्छे लफ्ज़ों में कही थी कि बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी जो वीरता है, उनकी जो यशस्वीता है, उनकी जो कूटनीतियाँ हैं वो आने वाले समय के सदियों तक, शतकों तक याद रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उनकी जीवनी को सीखे, देखे और किस तरह से उन्होंने वीर गति प्राप्त की उसके बारे में भी जाने।